घूम आए हम सारी दुनिया, मिला न चैन व सुकून कहीं, दिल को लुभाए झारखंड, मानो जन्नत है यहीं। भारत एक विशाल देश है, इसमें कुल 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में से एक खूबसूरत राज्य है झारखंड। झारखंड एक वन प्रदेश है। पूर्वी भारत में बसे इस प्रदेश की स्थापना भारत के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी। यह राज्य मुख्यतः छोटा नागपुर पठार में आबाद है। छोटा नागपुर पठार के अलावा संथाल परगना, पलामू और कोल्हान क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। झारखंड की सरहदें बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। रांची इस राज्य की राजधानी है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट्स के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। रांची में HEC, मेकॉन, उषा मार्टिन आदि प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं। यदि सभ्यता का जिक्र करें तो यह कहना होगा कि झारखंड की सभ्यता लगभग 3000 वर्ष पुरानी है, यानी हड़प्पा युग से भी पुरानी है, और इस बात के कई प्रमाण भी उपलब्ध हैं। यहाँ की संस्कृति में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य जैसे झूमर, डोमकच, पैका, करम और छौ काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ सहरूल, सरना, कर्मा, दुर्गा पूजा और छठ आदि त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हिंदी यहाँ की राजभाषा है। झारखंड का निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1928 में सबसे पहले स्वर्गीय जयपाल सिंह ने पहली बार पूर्वी भारत में अलग राज बनाने की मांग की थी। तब से लेकर इन 72 सालों में इस मांग पर कई आंदोलन होते रहे। अंततः सन 2000 में झारखंड के रूप में अलग राज्य की कल्पना साकार हुई। भारत के इतिहास के पन्नों में झारखंड के कई शहीद शूरवीरों के नाम दर्ज हैं। इसमें बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, अल्बर्ट एक्का आदि की शहादत को विशेष रूप से याद किया जाता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्री शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन तथा समाज सेवक एसके बंदोपाध्याय, साइमन उराव, अब्दुल रज्जाक अंसारी आदि के नाम विशिष्ट व्यक्तियों में शुमार है। झारखंड की कुल जनसंख्या तकरीबन 3,30,00,000 की है। यहाँ के स्थानीय लोग सीधे साधे व मिलनसार होते हैं। इनमें सच्चाई और सादगी साफ तौर पर झलकती है। यह प्रदेश आदिवासी जनजातियों का गृह क्षेत्र रहा है। यहाँ 33 जनजातीय समूहों का निवास है, जिसमें मुंडा, खड़िया, उराव, संथाल और हो प्रमुख हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज और वन संपदा पर आधारित है। यहाँ पर देश के 40% से भी ज्यादा खनिज का भंडार है। लोहा, कोयला, माइका, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि काफी तादाद में पाए जाते हैं। सिंहभूम जिले में आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार है। कोयला धनबाद स्थित झरिया, गोड्डा के राजमहल, बोकारो और हजारीबाग में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में बॉक्साइट की भरमार है। माइका कोडरमा में तथा यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में पाए जाते हैं। संथाल परगना का पाकुड़ जिला काला पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार झारखंड से पूरे देश को खनिज की आपूर्ति होती है, कहना होगा झारखंड की भूमिका एक माँ की भूमिका के समान अहम है। पर्यटन के लिए भी झारखंड महत्वपूर्ण है। प्रमुख पर्यटन स्थल रांची स्थित हुनरू, जोन्हा, दसम आदि झरने तथा ओर मांझी के चिड़ियाघर हैं। जमशेदपुर में दलमा अभयारण्य और जुबली पार्क हैं।
बेतला और हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। लातेहार जिला स्थित नेतरहाट एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 3,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेतरहाट सनराइज और सनसेट पॉइंट के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की सनसेट पॉइंट से जुड़ी एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी भी है। यह कहानी एक चरवाहा और एक अंग्रेज अफसर की बेटी मैग्नोलिया की है। चरवाहा काफी मधुर बांसुरी बजाया करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब अंग्रेज अफसर को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने चरवाहे को जान से मरवा डाला। यह खबर सुनते ही मैग्नोलिया ने सनसेट पॉइंट पहुंचकर अपने घोड़े सहित खाई में कूदकर अपनी जान गंवा डाली। आज भी इसी जगह एक बहुत पुराना सूखा पेड़ उनकी प्रेम कहानी की निशानी मानी जाती है। नेतरहाट में ही एक विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय से उत्तीर्ण कई छात्रों ने पूरे विश्व में अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी है। तीर्थ स्थान में देवघर का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसी तरह रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा नामक जगह में छिन्नमस्तिका माता का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा रांची में स्थित भोलेनाथ का पहाड़ी मंदिर, देवड़ी माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और मेन रोड का गिरजाघर काफी प्रसिद्ध है। गिरिडीह जिला में स्थित पार्श्वनाथ पहाड़ का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह पहाड़ की चोटी न सिर्फ झारखंड का शीर्ष स्थान है बल्कि ये जैन समुदाय के सबसे मुख्य तीर्थ स्थान है। यहाँ पर शिखर जी जैन मंदिर है। रांची में एक विख्यात आध्यात्मिक और मानव सेवा का आश्रम है। इसे योगदा सत्संग समिति के नाम से जाना जाता है। इस मठ में क्रिया योग, ध्यान, आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। रांची के टैगोर हिल भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसी पहाड़ पर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कई किताबें लिखे थे। यह स्थान अपनी अप्रतिम सुंदरता, रमणीयता और शांति के लिए जाना जाता है। रांची में एक विश्व स्तरीय मानसिक चिकित्सालय है जहां पर हर साल तकरीबन 3,000 मरीजों का कामयाब इलाज होता है। इसी तरह जमशेदपुर में कैंसर के इलाज के लिए मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल काफी प्रसिद्ध है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह जानवरों में हाथी, पक्षियों में कोयल, वृक्षों में साल, फूलों में पलाश है। झारखंड की प्रमुख खेती धान, मकई, रागी, सरगुजा आदि की है। झारखंड लाह की खेती में सबसे आगे है। लाह एक नेचुरल रेजिन है। इस प्रोडक्ट का निर्यात भी काफी होता है। रांची में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स एक रिसर्च सेंटर है। झारखंड की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं ISM धनबाद, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BIT सिंदरी, BIT मेसरा और XLRI जमशेदपुर आदि हैं। रांची में ही बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। इसमें एग्रीकल्चर, वेटरनरी और फॉरेस्ट्री की पढ़ाई और रिसर्च होती है। झारखंड के प्रमुख जंगलों में पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा जंगल है। इसका क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर साल वृक्ष और हाथियों का भरमार है। झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, कोयल, बराकर और स्वर्ण रेखा शामिल है। बराकर नदी में स्थित मैथन बांध यानी डैम देश के 10 बड़े डैम्स में एक है। यहाँ का भूमिगत पावर स्टेशन अपने आप में अनोखा है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास के नेतृत्व में झारखंड की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। उद्योग जगत में झारखंड ने विश्व में एक अलग मुकाम बना लिया है।
खास तौर पर आईटी इंडस्ट्रीज में झारखंड की प्रगति उल्लेखनीय है। इसके अलावा शिक्षा और खेल जगत में यहाँ की तरक्की काबिले तारीफ है। उच्च स्तरीय शिक्षण का ही परिणाम है कि हर साल झारखंड के विद्यार्थी सिविल सर्विसेज तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हैं। भारतीय धुरंधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। महिलाओं और बच्चों के विकास पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस की बात करें तो झारखंड का नाम पहले 3 राज्यों में आता है। यकीनन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि झारखंड का योगदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया योजना में सर्वोत्तम रहेगा। और आने वाले वक्त में अपनी अलग पहचान बनाते हुए सारी दुनिया में एक खास मुकाम हासिल करेगा। जय झारखंड, जय भारत।